Hello students, welcome back with my new video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. So students, last video में हम लोगों ने final account का एक complete question करके देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने trading account बनाया, फिर P&L account बनाया और balance sheet बनाई. तो gross profit, net profit और balance sheet करना पूरा सब सीख लिया था. तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने उस video को देखा था और अच्छे से वो topic समझ में आ गया था. अब उसके अलावा आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं. फॉर्मूले बेस का मतलब दो नंबर वाले में या एमसीक्यू में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और कभी कभी आप लोगों के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं. तो इस पे भी जो टॉपिक बचा है वो भी मैं आज बना देता हूँ और जितने तरह के क्वेश्चन आते हैं वो समझा देता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट. तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह के हमें क्वेश्चन करने हैं. हाँ, तो अब देखो इस क्वेश्चन को देखो. यहाँ पे लिखा है कुछ आपको आइटम दिए रहेंगे, ठीक है. ओपनिंग स्टॉक, परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल, वेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और बोल रहा है कैलकुलेट करो COGS और ग्रॉस प्रॉफिट. क्या करना है? COGS. COGS का फुल फॉर्म क्या होता है? COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो आपने गुड्स बेचे है ना उसकी कॉस्ट कितनी है, जो गुड्स बेचे उसकी कॉस्ट कितनी. कॉस्ट समझते हो ना, कितने का वो सामान बना है. तो कॉस्ट पता करनी है आपको, ठीक है. और साथ ही साथ क्या पता करना है? ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला याद कर लो. पहले सबसे इंपॉर्टेंट COGS. COGS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले, ठीक है. दो फॉर्मूला होता है. एक होता है COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, ठीक है, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. ठीक है, फिर से देख लो. COGS जब भी निकालना होगा तो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, लिखोगे, फिर नेट परचेज लिखोगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लिखोगे जितने भी होंगे, फिर क्लोजिंग स्टॉक. नेट परचेज कैसे होगा? अगर क्वेश्चन ने परचेज दिया है और परचेज रिटर्न भी दिया तो परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो यहां पर लिख दोगे. डायरेक्ट एक्सपेंस जो मैंने बताया था, जितने आप लास्ट में क्वेश्चन में करें, वेजेस है ना, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, गैस, फ्यूल एंड पावर, ये सारे जितने आइटम है उसमें आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे. और क्लोजिंग स्टॉक जो भी वैल्यू दी रखी उसको आप पुट करके यहाँ पे पुट कर देना. आप लोग COGS निकाल लोगे, ठीक है. एक फॉर्मूला और होता है भाई, एक होता है COGS निकालने का, होता है COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. क्या होता है निकालने का? COGS इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. जितनी भी नेट सेल्स हुई है उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, आपको क्या मालूम चल जाएगा? COGS मालूम चल जाएगा. समझ में आ रही बात? तो ये आपके दो फॉर्मूले होते हैं COGS निकालने के. अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करोगे? इसी से क्वेश्चन बन जाएगा. ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू ये इधर ले आओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेट सेल्स माइनस COGS. तो आपको क्या मालूम चल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये ग्रॉस प्रॉफिट का हो गया COGS का, ये भी COGS का है. कभी कभी COGS में सारे आइटम दे रहे हैं तो आप इस फॉर्मूले से निकाल लेना, और अगर कभी नेट सेल दे रखी है ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है डायरेक्ट इससे पुट करके निकाल लेना. वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है COGS निकालने के, ठीक है. अब चलो पहला क्वेश्चन करके देखते हैं. इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, एक्सपेंसेस ऑफ परचेज, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स है, मतलब सारे आइटम दे रखे हैं. तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा कि ये वाला लगेगा? आप लोगों को समझ में आ चुका हो कौन सा लगेगा ना? जाहिर सी बात है ये वाला लगेगा क्योंकि सारी चीजें दे रखी है. अब देखो कैसे लगेगा भाई. तो पहले बोल रहा है COGS निकालो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालो. तो COGS निकालने के लिए भाई, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको COGS पता होना चाहिए. तो पहले COGS निकल जाएगा. निकालो COGS कैसे निकलेगा? फॉर्मूला तो पता है आप लोगों को. COGS इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है. अब बताओ ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है बच्चों? 40,000. तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा? 40,000. फिर नेट परचेज कितना है? नेट परचेज यानी कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, तो वो परचेज दे रखा है 4,20,000 माइनस, और परचेज रिटर्न देखो यहां पे दिया हुआ कहीं पे,
परचेज 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 रिटर्न दिया ही नहीं है, ठीक है सॉरी, तो आपको क्या करना है, खाली परचेज की ही वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है, अगर परचेज रिटर्न होता तो माइनस करते, परचेज रिटर्न दिया ही नहीं तो माइनस करना ही नहीं है। अब डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो क्या है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज है, ठीक है, 8,000 प्लस वेजेस 30,000, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बच्चों, सेल्स, सेल्स क्या है, सेल्स पे तो उसमें काम ही नहीं है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या करोगे, 2,000, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हमारा 52,000, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे भाई, सबको ऐड कर लो, 4,20,000 और 8,000, 30,000 और 40,000 ऐड करेंगे कितना आएगा, 420 में 40 ऐड करो कितना हो जाएगा, 4,60,000, फिर आप 8 ऐड करो कितना हो जाएगा, 4,68,000 और 30 ऐड करो कितना हो जाएगा, 4,98,000, ठीक है। अब ये बताओ माइनस में कितना है, 52 माइनस कर दो, माइनस 52,000, अगर 4,98 में 52,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4,46,000, कितना आएगा, 4,46,000। समझ में आई बात, हमें क्या मालूम चल गया, COGS, इस तरह से COGS निकाला जाता है। अब और क्या बोला है भाई, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या मैंने बताया, जल्दी से लिखो, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट सेल्स माइनस COGS। अब नेट सेल्स कितना दे रखा बच्चों आपको, नेट सेल्स दे रखा है 6 लाख, क्या सेल्स रिटर्न कहीं पर है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो नेट सेल कितना हो गई, 6 लाख माइनस COGS कितना है अभी निकाला, 4,46,000। अब आंसर कितना आएगा जल्दी से बोलो, 1,54,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आई बात कि नहीं आई, तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, चलो और क्वेश्चन करके देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखिए एक और अलग तरह का क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, बोला है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करो व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख टोटल परचेज दे रखा है, फिर रिटर्न आउटवर्ड दे रखा है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, परचेज रिटर्न ही होता है, ठीक है, 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 60,000, और बोल रहा है यहाँ पर 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 6,10,000। इसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं, पहले देखो निकालना है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू होता है नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन किया करो, देखा करो कि क्या निकालना है, आखिरी कहां तक जाना है भाई, तो कहां निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि हमें नेट सेल्स पता होने चाहिए और COGS पता होना चाहिए। अब देखो गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000, यानी कि हमें नेट सेल्स क्या है पता है, नेट सेल्स क्या हमें पता है, तो नेट सेल्स लिख लो 6,10,000। अब COGS नहीं पता है, अगर हमें COGS मालूम हो जाए तो हम यहाँ पे पुट करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे जो कि क्वेश्चन में पूछा है। अब COGS निकालना पड़ेगा, तो COGS निकालने के दो फॉर्मूले थे मैंने बताए थे आप लोगों को, क्या थे, एक तो ये था एक तो ये था, तो कौन से निकलेगा बताइए, निकल सकता है नेट सेल्स माइनस COGS, COGS तो पता नहीं है, सॉरी नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो पता नहीं है, तो ये फॉर्मूले से तो निकलेगा नहीं, कौन से निकलेगा, पहले वाले से। तो फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग स्टॉक, पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं मैं बार बार, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो अब निकालो भाई ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग स्टॉक दिया है या फिर क्वेश्चन ओपनिंग स्टॉक दिया ही नहीं है, कुछ नहीं दिया, जीरो लिख लो, चाहे तो इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेट परचेज कितना है, नेट परचेज आपका है 8 लाख, ठीक है 8 लाख। अब 8 लाख माइनस, यहाँ पे देखो रिटर्न आउटवर्ड दे रखा, तो 8 लाख से 20,000 क्या करोगे, माइनस करो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया माइनस 20,000। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करो, तो मैंने परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस किया, तो कितना होगा 8 लाख में 20,000 माइनस हो गया। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या है, डायरेक्ट दे रखा है 60,000, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो वहां पर कितना लिख दो, जीरो लिख दो या फिर नहीं लिखा करो, ठीक है, ये समझाने के लिए लिख दिया, जीरो लिखने होती नहीं, वहां पर लिखो ही नहीं जब नहीं दिया है तो। अब यहाँ तो जीरो था,
8 लाख में 20,000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7,80,000 यही आएगा, प्लस 60,000। तो दोनों को ऐड करो कितना आएगा, 7,80,000 में 60,000 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 8,40,000। कितना आएगा बच्चों, 8,40,000। ये हमारा क्या आ गया बेटा, COGS। ये हमारा क्या आ गया बेटा, COGS। अब COGS हमें जब मालूम हो गया, जब अब हमें COGS मालूम हो गया तो हम लोग क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब तो जल्दी फटाफट निकाल लेंगे, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला तो मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है, तो नेट सेल्स में से COGS को माइनस करना है। तो अब COGS यहाँ पे पुट कर दे, COGS कितना है, 8,40,000। क्या 8,40,000 यहाँ पे पुट कर दे, नहीं, समझना बात को, क्यों क्यों नहीं पुट करेंगे सर। बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, एक लाइन बोल रहा है, 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6,10,000। मतलब जो सेल हुई है 6,10,000 की, देखो टोटल कितने की कॉस्ट थी, 8,40,000। टोटल कितने के गुड्स थे, 8,40,000 के, लेकिन 8,04,000 और सेल कितने की हुई है, 6,10,000 की। तो 8,40,000 में 6,10,000 की सेल हुई है, वो पूरे गुड्स नहीं बिके अभी, पूरे 8,40,000 के जो गुड्स थे वो पूरे नहीं बिके अभी, उसमें से कितने गुड्स बिके, 2/3 ही गुड्स बिके, बाकी अभी बाकी गुड्स बिकने बाकी है। तो 8,40,000 का 2/3 निकालो, क्या निकालोगे, 8,40,000 का 2/3। तो 2/3 8,40,000 कितना होगा, इनटू 2/3 कितना आएगा, डिवाइड करके देखो, 3 × 3 = 6, 3 × 24 1, 2, 3, 4 0, 0, 0, 0, 2, 16, 6, 11, 2, 4, 5, 5,60,000। तो COGS कितना होगा आपका, 5,60,000, 5,60,000। और जब 6,10,000 में 5,60,000 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट आपका, 50,000। समझ में आई बात, एक बार फिर से देखो, आपने COGS तो निकाल लिया, तो कोई दिक्कत थी नहीं थी, ग्रॉस प्रॉफिट हमने पुट किया, नेट सेल्स आपको पता थी, आपने लिख दी। अब जो नेट सेल 6,10,000 हुई थी ना, वो पूरी नहीं हुई थी, उसमें COGS था 8,40,000। 8,40,000 में 2/3 गुड्स ही बिके थे, कितने बिके थे, 2/3 गुड्स ही बिके थे। तो हम लोगों ने उसको पहले सॉल्व किया कि 8,40,000 में 2/3 की कॉस्ट कितनी थी, निकाली तो कितनी आई, 5,60,000। तो 5,60,000 से माइनस करेंगे, पूरे गुड्स बिके होते तो इससे माइनस करते हैं, लेकिन 2/3 बिका तो हम लोगों ने पहले इसका निकाला और फिर यहाँ पे फुट करके इसको निकाला। समझ में आई बात कि नहीं आई, आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, आ रहा है ठीक है, तो इसको नोट कर लेना और इसको आपको होमवर्क में करना है, और इसका ग्रॉस प्रॉफिट, इसका COGS सब निकाल के आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पे बताना है। जो लोग मुझसे कनेक्ट है इंस्टाग्राम पे, वो इंस्टाग्राम बताएंगे, जो कमेंट सेक्शन में बताना चाहे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और अच्छे तरह का, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करके देखते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, मैं 2 सेकंड में आता हूं। हाँ तो देखिए, अब दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसके पेपर में आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है, तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पहले लिखा है नेट सेल्स कितने हैं, 6 लाख, 1 लाख ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% ऑन सेल्स पे, कैलकुलेट करो COGS। क्या करना है हमें, कैलकुलेट COGS। अच्छा तो COGS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये बताओ, पहले तो ये वाला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस ये वाला, बट इसमें तो इतनी चीजें दे नहीं रखी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये अलग लगा लेंगे। समझ में आ रहा है क्यों लगा रहे हैं, उसका रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक वगैरह ऐसी कोई चीज तो दे नहीं रखी है, तो हमें समझ में आ रहा है स्टार्टिंग से ही कि ये वाला ही फॉर्मूला लग सकता है। अब देखो क्या नेट सेल्स दे रखी है, दे रखी है, तो क्या हम लोग नेट सेल्स पहले से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिख रहे हैं बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट तो पता नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल सकता है, देखो लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, बोल रहा है जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो क्या है, सेल्स का 20% है, सेल का 20% है, सेल कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख का 20% निकाल लो, ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल जाएगा कि नहीं मालूम चल जाएगा, मालूम चल जाएगा, तो निकाल लो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू 6 लाख इंटू 20%, 20% यानी कि 20% को हम लोग 20/100 लिख देंगे, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना आया बच्चों, 0 0 0 0 2 6 12 1 10 100 1000 10000 1 lakh 20000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1 lakh 20,000। समझ में आ रही बात, अब 6 लाख में 1 lakh 20,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 4 lakh
80,000, 4,80,000, that's it. तो ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री भी, हो गया समझ में आई बात कि नहीं आई। अब क्वेश्चन नंबर थ्री करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, जिसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर फोर है, अगर ये समझ में आया तो अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ी सी इसमें चीजें अलग लगेंगी, तो जल्दी इसको नोट कर लिया, रफ कर दूं, रफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर में बोला है नेट सेल्स कितनी है 6 लाख जो क्वेश्चन में थी। अब ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, कैलकुलेट करना है सीओजीएस, दोनों में डिफरेंस क्या ध्यान देना, यहाँ लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, जो कि हम लोग ने इजिली इससे अमाउंट को 20% सेल्स पे था निकाल के काम खत्म कर दिया, बट यहाँ पर क्या लिखा है 25% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट जो हो रहा है 25% कॉस्ट पे हो रहा है, समझ में आ रही बात, सेल्स का हमें नहीं पता है। अब सेल्स है नहीं पता तो क्या करें, तो हमें निकालना पड़ेगा, अगर हमें देखो अगर सेल से पता होता सिंपल था 25% का हम निकाल लेते 6 लाख, बट कॉस्ट पे है, ये अगर कॉस्ट की जगह पर सेल होता तो बहुत इजी हो जाता, बट नहीं हो पाएगा अभी। तो अब देखो पहले फॉर्मूला तो पता है हमें, नेट सेल क्या है हमारी, नेट सेल्स है हमारी 6 लाख, यहाँ पे लिख लिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट नहीं पता है, अब समझ लो बात को ध्यान से, अगर यहाँ पे सेल होता तो निकल जाता, तो ऐसे में जब भी क्वेश्चन आए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, समझ लो ये आपका कॉस्ट है, ये आपका एक सेल्स है। अगर कभी भी कॉस्ट पता है, ग्रॉस प्रॉफिट आपको कॉस्ट पे पता है और आपको सेल्स पता करना है, तो ये बताओ 25% जो होता है, 25% को मैं 25/100 लिख सकता हूं, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको काटूंगा कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 20, इसको याद रखना हमेशा, एक्स अपॉन वाई क्या होता है, ये एक्स अपॉन वाई, ये क्या है आपका एक्स, ये है आपका वाई, और फॉर्मूला क्या करोगे, अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाओगे, अगर आप कॉस्ट से सेल्स पे जाओगे तो कभी भी आप क्या कर दोगे, क्या कर दोगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या कर दोगे, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, सिंपल सी चीज। जैसे यहाँ पे 1/4 था, 25% की पे आपने 1/4 लिखा था, तो आप क्या कर दोगे, 1/4 = 1/5, तो जो भी आएगा उसमें एक ऐड कर दोगे, अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाओगे तो एक ऐड कर दोगे, जाहिर सी आगे जाओगे, और अगर सेल्स से कॉस्ट पे आओ तो एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, ठीक है, एक क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। मैं समझाता हूँ, मान लो कॉस्ट है, यहाँ पर सेल्स है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% कॉस्ट पे, तो हमें सेल पे जाना है, तो 25% का मतलब क्या, 1/4, तो सेल्स में क्या हो जाएगा, वही 1/5, क्या हो जाएगा, 1/5, लेकिन अगर मान लो सेल्स पे यहाँ पे दिया है और कॉस्ट पे जाना होगा, तो 1/5 से क्या हो जाएगा, 1/4, क्या हो जाएगा, 1/4, समझे कि नहीं समझे। तो कॉस्ट पे है, सेल्स पे जाना है, आगे जाओ, मान लो अगर सपोज, एक और समझाता हूँ, यहाँ पे 25% की जगह पे लिखा होता 20% का मतलब क्या होता है, 20/100 यानी कि 1/5, है ना, अगर कॉस्ट पे 1/5 होता और आपको सेल्स पे जाना होता तो क्या हो जाता, 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, और अगर सेल्स से कॉस्ट पे जाना हो तो 1 माइनस हो जाएगा, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हमेशा कॉस्ट से सेल्स पे जाओगे तो एक आगे, सेल्स से कॉस्ट पे जाओगे तो एक पीछे, समझे कि नहीं समझे, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलो देखो अब जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट 25% किस पे हुआ है, कॉस्ट पे हुआ है, किस पे हुआ है, कॉस्ट पे, बट हमें चाहिए किस पे, सेल्स पे, तो ग्रॉस प्रॉफिट अगर सेल्स पे जाएंगे तो 6 लाख का 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट कितना था, 25/100 सॉल्व किया कितना है, 1/4, लेकिन हम सेल्स पे जब निकालेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 1/5, एक ज्यादा हो जाएगा, अभी बता नहीं देता, 1/4 तो 1/5 हो जाएगा, 4+1, सॉल्व करो कितना आएगा, 5 × 5 = 10, 1, 2, 3, 4, 1,20,000, कितना आएगा, 1,20,000, ठीक है, और जब सॉल्व करेंगे कितना है, 6 लाख में 1,20,000 माइनस करो, आपका आएगा आंसर 4,80,000, यही आंसर आ रहा है इसका, यही आ रहा है, समझ में आई बात कि नहीं आई। एक क्वेश्चन और करा दूं, डाउट तो नहीं है, चलो इनको एक और कराता हूं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसको रख कर दूं, चलो यही भी कराता हूं, देखो अगर मान लो यहां पर नेट सेल्स जो है आपकी 5 लाख है ना, अगर ये 5 लाख की जगह मान लो 8 लाख है, ठीक है, और यहाँ पे जो 25% है
ये लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, क्या लिखा है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट करो सीओजीएस। सीओजीएस निकालने के लिए आपको क्या है, नेट सेल्स पता है पहले से, तो नेट सेल्स कितनी हो जाएगी बच्चों 8 लाख, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है नहीं पता है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट पे पता है, हमें क्या निकालना है सेल पे। 20% यानी कि क्या हो जाएगा 20/100 यानी कि 1/5 यानी कि 1/5 + 1 कितना हो जाएगा 1/6। तो जब अगर हमें कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो 1/6 हो जाएगा। तो निकालो जल्दी से ग्रॉस प्रॉफिट, लिखना ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स इक्वल टू 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/6। 1/6 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि एक क्या हो जाएगा आगे बढ़ जाएगा 1/5 तो 1/6 जाएगा, 6 से आप डिवाइड कर दो उसको, 6 × 5 कितना आएगा 8 लाख, 6 × 6 आठ में से गए 2, 0, 3 × 18 3 में से गए 2, फिर क्या होगा यहाँ पे 0 डाल लो, 3 × 18 फिर 2 बचेगा, फिर 0 डाल लो, 3 × 18 फिर 2 बचेगा, फिर डाल लो येलो उतरेगा पहले, फिर 18 फिर 18 इस तरह से कुछ अराउंड जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,33,000 कुछ अमाउंट इतना आ जाएगा, ठीक है। अब वो पॉइंट पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, इतना अराउंड लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली आपको जब भी देगा तो ऐसी वैल्यू देगा जो आपको कट जाया करेगा, ये मैंने अपने से अज्यूम कर लिया था 8 लाख इसलिए ऐसा आ गया, ठीक है। जब क्वेश्चन में दिया रहेगा बुक के अकॉर्डिंग तो वो आपको कट ही जाया करेगा नॉर्मली। तो कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट 1,33,000, ठीक है 1 लाख। अब 8 लाख में 1,33,000 को माइनस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर फुट कर देना, समझ में आई बात। तो इस तरह से आपका सीरियस निकल जाएगा। आई होप यानी चीजें जो मैंने बताई कॉस्ट से सेल्स पे, सेल्स से कॉस्ट पे रहेगा तो क्या करोगे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे से समझ लेना। तब भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट करके पूछ लेना। तो फॉर्मूले बेस के क्वेश्चन भी जो आते हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और इसी के साथ फाइनल अकाउंट्स चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उसके अलावा कोई ऐसा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है, इसमें डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही जल्दी बता दो, और नवंबर चल रहा है कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। अब दिसंबर से हम लोग पूरा फोकस हमारा इकोनॉमिक्स और स्टैट्स पे रहेगा, ताकि जनवरी में आपका सिलेबस सब कंप्लीट रहे और आपको अच्छे से इजीली पढ़ सको। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।